जो एक सोल्जर ट्रेनिंग से घबरा कर वो भाग सकता है, फौज छोड़ सकता है, वो आके लड़ाई कैसे लड़ेगा? यानी इनके ऊपर इतना पैसा की बरसात हो रही है, इनके लिए नौकरी की बरसात हो रही है, सेना के अंदर इनके साथ एक अच्छी टाइप की हॉस्पिटलिटीज हो रही है, फिर भी सेना से भाग रहे हैं, तो ये सेना के लिए फिट नहीं है। यानी सैनिक वही जो देश की सेवा कर सकता है जो वॉलंटियर हो और अंदर से मोटिवेट हो, प्रेरणा हो कि मैं किसी भी परिस्थिति में, चाहे आकाश में हो, चाहे जमीन में हो, पाताल में हो, हवा में हो, पानी में हो, किसी भी मुश्किल मेरे सामने आए और मैं देश की रक्षा के लिए तत्पर रहूंगा, डटा रहूंगा, चाहे मेरा सर्वोच्च बलिदान क्यों न हो जाए। हाँ जी दोस्तों, आज आपके सामने एक वीडियो लेके आए। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आखिर अग्निवीर को आज कितना पैसा मिल रहा है, हर महीना कितना मिल रहा है और इसके नियमों में क्या क्या बदला हुआ है। इसके बावजूद बड़े दुख की बात है कि आप समझ सकते हो, मैं दिखा रहा हूं कि एयरफोर्स से 80 अग्निवीर ट्रेनिंग छोड़ के भाग गए और नेवी से 30 भाग गए। मैं आर्मी की बात नहीं कर रहा, आर्मी में तो बहुत सारे लोग भाग भाग के घर आ गए। पहले बैच में यह हालत है कि लोग एयरफोर्स और नेवी से भाग रहे हैं। अभी आप देखो 110 पहले बैच से ही भाग गए। क्यों? वो नहीं कर पा रहे ट्रेनिंग, और जब वो ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे तो जाकर देश की सेवा कैसे करेंगे? भिन्न भिन्न भौगोलिक परिस्थितियां होंगी, वेदर कंडीशन अलग अलग होंगे। जब वो इस बात से डरे हुए हैं तो ऐसे सोल्जर से निजात पाना बहुत जरूरी है। आखिर हम बात करेंगे कि फिर एमओडी को एक नियम बनाना पड़ा कि पहले उन्होंने रखा है कि जो सोल्जर आता है 30 दिन अपने आप को एडजस्ट करे, और वॉलेंट्री रहता है तो रह नहीं जा सकता है, और 30 दिन के बाद आगे वो ट्रेनिंग करता है, सब कुछ करता है, तो उसके ऊपर जो खर्चा आता है खाने का, पीने का, ट्रेनिंग का, वो सारा पैसा अब इनसे वसूला जाएगा। ये नियम में बदला हुआ है। आखिर अब हम जान सकते हैं कि सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट क्या छूट दे रही है, केंद्रीय जो सरकारें नौकरियों में क्या छूट दे रही है और उसको कितना पैसा मिल रहा है, ये आज जानना बहुत जरूरी। आखिर अग्निवीरों को एक मोटिवेशन चाहिए, उन जवानों को, उन नौजवानों को, ताकि वो अग्निवीर बने और आगे अपना भविष्य सुरक्षित रखें। इसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, अग्निवीरों को पैसा छूट, फिर भी भाग रहे हैं, आखिर क्यों? जैसा हम जानते हैं, भर्ती होने के बाद 6 महीना इनकी ट्रेनिंग होती है उनके रेजिमेंटल सेंटर में, और उनका एक एग्रीमेंट है, सभी जानते हैं, 4 साल के लिए होता है। उसके बाद असेसमेंट होगा, उसमें से अभी तक की जो है कि 25% रखे जाएंगे, 75% जो बाहर आएंगे। अब जो सभी लोगों को 4 महीने कितना पेमेंट मिलेगा, उसके बाद जो 75% जाएंगे उनको टोटल कितना पैसा मिलेगा, जाने के बाद उनको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, नौकरी के लिए कहाँ कहाँ आरक्षण मिलेगा, जरा एक बार नौजवान है या आप लोग पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को इस तरह से प्रेरित करना चाहते हैं तो जरूर इस वीडियो को देखें। भर्ती होने के बाद पहली साल यानी 12 महीने आपको 30,000 पर मंथ आपके खाते में आएंगे, और 30,000 में से 9,000 रुपए आपके लिए डिडक्ट माइनस होते रहेंगे, जैसे हमारा फंड कटता है उस तरह ना। कैश इन हैंड कितना बचा? 21,000 आपको कैश इन हैंड मिलेगा। तो 21,000 आपको कैश इन हैंड मिलता है, ये 12 महीने तक मिलता रहेगा, और ये 9,000 है और गुणा 12 कर दोगे तो ये पैसा आपके खाते में यहाँ जमा होता रहेगा एक पहली साल। दूसरी साल शुरू होती है तो आपको पर मंथ आपके खाते में 33,000 आपकी सैलरी होगी और 9,900 उसमें से डिडक्ट होगा फंड के लिए, और कैश इन हैंड आपको 23,100 रुपए आपके हाथों में मिलेगा। 9,900 × 12 ये आपका एक दूसरी साल का पैसा आपका जमा हो गया। तीसरी साल में आपको 36,500 पर मंथ पैसा मिलेगा और उसमें से 10,950 आपका कटेगा इंटू 12, ये जमा हो गया, और कैश इन हैंड मिलेगा आपको 25,580, ये तीसरी साल 12 महीने तक मिलता रहेगा। चौथी साल आपको टोटल आपका सैलरी 40,000 होगा और 28,000 उसमें से कैसे नेट मिलेगा और 12,000 कटेगा, 12,000 × 12 तो ये आपकी 1, 2, 3, 4 जो आपका डिडक्शन है करीब 5.2 लाख आपका पैसा सरकार के पास हो जाता है। इतना पैसा और कुछ मिला के सरकार आपको 11,71,000 रुपए देके आपको रिटायर करेगी। कितने? 75% लोग जो वहां पर नहीं फिट हो पा रहे या उनका जो मेरिट बनती है। अब उन 75% के लिए क्या है आगे जरा ये देखते हैं उनके लिए। अच्छा, इसके साथ भत्ता आपकी बात कर रहा हूं तो आपका जो भी है आपका राशन अलाउंस है और हार्डशिप अलाउंस है ये सारा मिलेगा। इसके साथ साथ जो कैश इन हैंड है, यदि आप हार्डशिप अलाउंस कहीं जा रहे हो सीआई डिस्ट्रिक्ट एरिया में वो मिलेगा, ड्रेस अलाउंस ये मिलता रहेगा, तो ये पैसा भी एडिशनल आपको और महीने में मिलता रहेगा। खाना पीना चिकित्सा ट्रेनिंग सब आपकी फ्री है। जो लोग 75% आ जाते हैं उनको भाई CISF में नौकरी है, आसाम राइफल सेम फौज में है, CRPF, BSF एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस में आपके लिए पूरी नौकरी है, नौकरी के दरवाजे खुले हैं और 10% आरक्षण है। जी हाँ, 10% आप
उनसे कई गुना बेहतर हो गए जो सिविल से सीआरपीएफ में जा रहे हैं या बीएसएफ में जा रहे हैं या असम राइफल्स में, क्योंकि आपके पास फिजिकल फिटनेस का एक जबरदस्त आपके पास है कि आप फिजिकल फिटनेस की आपको कोई टेंशन नहीं है, आपने एग्जाम लिखना है और एज में भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा और एग्जाम इसी बेस का जो सो होता है। जब आप रिटायर्ड होते हैं तो आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी मिलता है, इसके अलावा रेलवे ने भी नौकरी दिया है, आपको एविएशन में भी नौकरी दिया है और स्टेट पुलिस जितनी है, स्टेट आर्मर्ड पुलिस है, स्टेट पुलिस है, उनमें 10% आरक्षण की घोषणा आपको कर दी गई है। आप समझ सकते हो, तो नौकरी की मेरे हिसाब से आप पहला दूसरा तीसरा चौथा बैच आएगा तब तक नहीं होगी, आगे फिर कौन आपको कितनी केयर करता है वो अलग बात है। लेकिन अभी जो रिकमेंडेशन है उसमें बोला हो सकता है 50% आपके लोग परमानेंट कर दिए जाए। अभी अग्निवीर है, फॉर्म साइज 17 को खत्म है एयरफोर्स के, उसके बाद एज भी शायद आपकी बढ़ने की चल रही है, एज आपका जो ट्रेडमैन और टेक्निकल उसकी 23 साल कर दी जाए। तो लगातार इसमें बदलाव हो रहे हैं ताकि लोग मोटिवेटेड रहें और स्पष्ट हो जाए, यानी अग्निवीर एक सेना सैनिक बनना है तो सेना के भी आला अधिकारियों से उनका भी फीडबैक लिया जा रहा है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, ताकि उसको भी अपडेट किया जाए और सरकार के सामने पक्ष रखा जाए कि इस तरीके से जवानों को परेशानी होगी और सिस्टम को भी परेशानी होगी, ताकि ये सुधार नियमित सुधार की जरूरत है, क्योंकि अग्निवीर यानी अग्निपथ योजना जल्दी ही इंप्लीमेंट हो गई थी, इसको इसके ऊपर थोड़ी गुंजाइश की जरूरत थी। तो दोस्तों ये आपको जो पैसा मिलेगा, आपकी सैलरी कितनी मिलेगी, आपको बाहर जॉब कितना मिलेगा और फिर भी लोग भाग रहे हैं, तो आप समझ सकते हो तो उनके मनोदशा सेना के लाइफ फिट नहीं, इसके ऊपर आप कमेंट्स कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।